दोस्तों, किसानों के लिए जुकनी की खेती बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है, जो किसानों को अच्छी खासी कमाई करने का अवसर प्रदान कर रही है। और इसमें बुआई, सिंचाई और किस्मों का सही चयन करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। और जुकनी की बुआई का सही समय नवंबर और दिसंबर महीने को सबसे अच्छा माना जाता है। और बुआई से पहले खेत को गोबर खाद से अच्छी तरह से तैयार किया जाता है। और बुआई के लिए उपयुक्त बीजों का चयन करते समय ऑस्ट्रेलियन ग्रीन और पूसा अलंकार जैसी उन्नत किस्मों को सबसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों, जुकनी की खेती को एक कद्दू वर्गीय फसल माना जाता है और इसे 56 कद्दू के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इसकी लंबाई 2 से 3 फीट तक होती है। और जुकनी या 56 कद्दू का उपयोग सब्जी के तौर पर किया जाता है और यह शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। हालांकि किसान जुकनी की कई किस्मों को उगाते हैं जिसकी रंग और आकार बिल्कुल अलग अलग होती है। इसमें लंबे गोलाकार के हरे और पीले कद्दू शामिल है, जिसमें पीले रंग वाले 56 कद्दू को जुकनी कहते हैं और धारीदार हरे 56 को ऑस्ट्रेलियन ग्रीन कहा जाता है। तो अगर आप भी 56 कद्दू की खेती करके एक मोटी रकम कमाना चाहते हैं, तो आप बेशक 56 कद्दू की खेती करें ताकि आप जल्द से जल्द अमीर बन सके। दोस्तों, जुकनी की खेती में बीज रुपाई के तुरंत बाद ही सिंचाई की जरूरत होती है, क्योंकि इसके बीजों को अंकुरण के समय तक नमी की जरूरत होती है। इसके बाद जब बीज अंकुरित हो जाए तो पौधे को 10 से 15 दिन में सिंचाई की जरूरत होती है, क्योंकि इस फसल की खेती में लगभग 8 से 10 बार सिंचाई करनी होती है। इसके बाद ही फसल पूरी तरह से तैयार हो पाती है। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और जाते जाते आप सबको जुकनी की खेती कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की नई नई खेती और रोजगार की जानकारी आप सबको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।